ये सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में दुनिया में पूरी कहीं भी कुछ भी अगर खास है तो वो बहुत जल्दी दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच रहा है। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या में एक साधु हैं और उनका नाम है पंडित मानस दास। उनकी गायकी पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया में इस कदर वायरल है कि मुझे लगता है अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया जाए सोशल मीडिया के तो लगभग करोड़ों लोग उनकी गायकी देख चुके हैं। पहली बात तो विजुअली बहुत अच्छा लगता है कि एक दाढ़ी वाले साधु और बहुत पक्के सुरों में आप उनसे कवाली सुन लें, आप उनसे दादरा सुन लें, आप उनसे गजल सुन लें, आप उनसे फिल्मी गाने सुन लें, सब कुछ बहुत ठहराव के साथ और सब कुछ बहुत ही पक्के सुरों के साथ। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना अब ये उत्सुकता भी है लोगों की कि मानस दास जी हैं कौन, इनका अयोध्या से क्या रिश्ता है, संगीत अगर इन्होंने सीखा तो कहाँ से सीखा, किससे सीखा, ये किस घराने के हैं। तो इस तरह की तमाम जो उत्सुकताएँ थी उनको उनका जवाब ढूंढने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया और वो हम उनके आभारी भी हैं कि वो हमारे पास आए और अब हम उनसे इस तरह से कुछ उनका जो अभी तक का जीवन है, उनकी जो गायकी है उसको लेकर बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर कुछ अच्छी चीज़ें एक बार फिर सुनेंगे क्योंकि इस वक्त उनकी आवाज़ ऐसी मशहूर हो गई है कि जितना सुनिए लगता है थोड़ा लालच आता है कि क्यों ना थोड़ा और सुन लिया जाए। तो मानस दास जी, सबसे पहले तो आपका फिर से मैं आभारी हूँ और आपको ये जानकारी मिली है कि नहीं मिली अभी तक कि आपको इस वक्त पूरा देश जो है बहुत ही प्यार के साथ सुन रहा है और बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें सूचना है, हमारे जो स्नेही प्रेमी लोग हैं वो बताते रहते हैं। तो पहला सवाल तो मानस दास जी यही दिमाग में आ रहा है हर किसी के कि आप थे कहाँ, आप छुपे हुए कहाँ थे, कहाँ ये जो गायकी का दौर चल रहा है उसमें इतने पक्के सुरों वाला आदमी, कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं जो है जाऊँ मीडिया के सामने जाऊँ या उन उन प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ जहाँ से लोग मुझे जाने? दरअसल मैं जिन परमात्मा से संबंध रखता हूँ जी, उनके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी। परमात्मा राम विशेष उदासी रूप धारण करके अयोध्या से जब निकले और उनके आने के बाद ही भगवती जगदम्बा पृथ्वी में समाहित हो गई, तब से अयोध्या की भूमि उदासीनता से घिरी हुई है। तो वहाँ हमारे जैसे हमसे पहले भी दिव्य और श्रेष्ठ साधु हुए जिन्होंने संगीत को सिर्फ उपासना मार्ग में उपयोग किया, उन्होंने प्रदर्शन में नहीं लाया। लेकिन मैं ये विचार किया अपने प्रबुद्ध लोगों के द्वारा सुनकर कि इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, क्योंकि अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या सभी पुरियों का मस्तक है और संगीत का पर्याय है, यहीं से यहीं संगीत की रक्षा हुई है। आप सुने होंगे हवेली परंपरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हवेली परंपरा अपभ्रंश नाम है, वो मंदिर परंपरा उसको कहिए आप। अच्छा, हवेली परंपरा तो आधुनिक लोगों ने नाम रख दिया उसका। दरअसल विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का आप नाम सुने होंगे, वो हमारे अयोध्या के ही साधु थे। अच्छा, अयोध्या के साधु थे, अयोध्या में दीक्षित हुए और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को राग रागिनी सुनाए। उनके कितने पद हैं जो कनक बिहारी जी को ठाकुर जी का नाम लेकर उन्होंने पद की रचना की है। फिर वो ग्वालियर चले गए, यहाँ से ग्वालियर गए, प्रचार प्रसार किया, अयोध्या भी आते जाते रहते थे। उन्हीं के शिष्यों की श्रृंखला में श्री राम मोहिनी शरण, श्री राम किशोर दास जी की श्रृंखला में एक साधु श्री गौरी शंकर महाराज जी के नाम से जाने गए जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हुए। वो ध्रुपद के, तराने के, तिरवट के और चतुरंग के और प्रबंध गान के बहुत ही सिद्धस्त गायक हैं इस समय। तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार उनसे जो सीखा वही थोड़ा मोड़ा कोशिश कर रहा हूँ और बांटता हूँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। और आपने कब सीखना शुरू किया, मतलब कुछ ऐसा वाकया रहा होगा जिससे आपको लगा होगा कि मुझे सीखना चाहिए संगीत? मेरा शरीर झारखंड का है, झारखंड में यूपी के बॉर्डर पे जी, मतलब ज़्यादा करीब यूपी के है वो गढ़वा, वहाँ से मैं 13-14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास करके प्रथम श्रेणी से अयोध्या आ गया, रामायण देख करके कि वहाँ का कितना अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ पाया नहीं, हाँ लेकिन संगीत का धरोहर मिला मुझे। यहाँ आने के बाद श्री हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, ध्रुपद सुरों को कैसे लगाना है, यमन में गांधार कैसे लगेगा, तोड़ी में ऋषभ कैसे लगेगा, और जैसे धेनु की आवाज़ निकलती है दरबारी में वैसा गांधार लगना चाहिए, गांधार और धैवत आंदोलित हैं, कौशी कान्हड़ा कैसे गाना है, रामकली कैसे गाना है, गुणकली कैसे गाना है, भैरवी कितने प्रकार से गाए जाते हैं, इन सबों को बृहत रूप से उन्होंने डांट डांट करके हमें सिखाया। पहले तो डांट के भगा दिए थे, बाद में बहुत मशक्क़त से उन्होंने अपनाया
क्योंकि गुरु के ऊपर है, वो गंडा बांधेगा कि स्वीकार करेगा कि नहीं आपको, सही बिल्कुल आपको शिष्य के रूप में। तो फिर हमने भी लगन से सीखा, क्योंकि बड़े शौक से मैंने सीखा, और फिर शिवरंजनी का मैंने 2-3 महीने अभ्यास किया, रागनी शिवरंजनी का बड़ा मन लगता था उसमें, तो उससे वैराग्य मेरे अंदर आ गया, फिर मैं साधु हो गया। थोड़ा सा शिवरंजनी सुना दीजिए इसी बात पे। दर दर नर र ता र र र ता न र र र र द र, ये शिवरंजनी का। सर ग पद स द प ग रे ग ग प द सा रे द स प द ग प रे ग स रे ध ग रे ध सा। क्या बात, शिवरंजनी का स्वरूप है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे नैना सावन भादो शायद बिल्कुल मिश्र शिवरंजनी में है। अच्छा, क्योंकि उसमें और रागों का छाया दिखता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप झारखंड से आ गए यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो आपका परिवार है, आपके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उनका किस तरह का क्या क्या वो रहा, रिएक्शन क्या रहा उनका? हमारे पिताजी बोले कि चलो एक लड़का साधु हो गया, अच्छा, लेकिन माँ का प्रेम तो आप जानते ही हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। हमारी माँ बिलक उठी, तो हम उससे बात करते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। अभी भी वो हमसे बोलती है, बाबू टीवी पे देखात रहला, अपनी भाषा में बोलती जी है। जी जी, तो हमने बात की, हमने कहा जी जी, तो बोली कि बहुत अच्छा लागल, चला सामने से नहीं देख पहली, टीवी पर तो देख ले ली, अभी फ़ोन की थी हमारे पास। तो बातचीत होती रहती है, आशीर्वाद लेते हैं, और सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले माँ का स्मरण करता हूँ, फिर धरती को प्रणाम करता हूँ, फिर अपने इष्ट को। और ये जो घरानों की परंपरा है, आपने इतने बड़े कलाकार का नाम लिया पलुस्कर जी का, जिनके एक से एक बढ़ के शिष्य हुए, ओंकारनाथ ठाकुर से लेकर, और वो खुद उनके खुद के पुत्र डीबी पलुस्कर, देवव्रत पलुस्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत ही ये दुर्भाग्य कहा जाए संगीत का, कि दोनों ही लोग बहुत कम उम्र में चल बसे, उनके बेटे भी और वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो घरानों की जो ये परंपरा पे अगर हम आए, जितना काम उनका है, जैसे शास्त्रीय गायकों की जो लड़ाई लड़ी है सम्मान की उन्होंने, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप अपने घराने के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बहुत विशेष बात बताना चाहूंगा। हमारे गुरु जी कहते हैं जी कि जिस स्थान पे अपने गुरु की दी हुई संगीत विद्या को बैठ करके साधक साधता है, वही उसका घराना होता है। जी, हमारे गुरु जी बता रहे थे, हसु हद्दू खाने कड़क बिजली तान से ग्वालियर घराने को चमकाया, लेकिन हमारे अवध घराने में तिहाई परक और मीड परक गायकी है, खटका मुर्की नहीं है। यमन भाइयों के द्वारा, यमनों के द्वारा, मुस्लिम भाइयों के द्वारा, ये है, लेकिन हम लोगों में क्या है, जे रे 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 ना रे रे ते न रे रे ना रे 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 ते न रे नू, ये थोड़ा सा ध्रुपद का, हाँ ध्रुपद अंग की गायकी, हाँ, लेकिन इसमें खटके का प्रयोग हमारे गुरुजी कर दिए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने एक अलग अंग इसमें, दे र न त न र त न र न र रि र त न त न, ये खटका है, त न रे न त न रे न रे नु, इसका प्रयोग, खटके का प्रयोग उन्होंने कर दिया। तिहाई परक अयोध्या घराना, इसमें तिहाई का खटके का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, और साहित्य बड़े अच्छे मिलेंगे, जैसे और जगह सैया दैया आपको मिलेगा साहित्य में, लेकिन यहाँ क्या है, शरद चंद बदनी सुगर गज गामिनी मृदु चरण पल्लव बिमल मदन दर्प प्रमथनी, माँ किशोरी के ऊपर, शरद चंद बदनी, शरद चंद्रमा के समान बदन वाली, शरद चंद वदनी सुघर गज गामिनी, जैसे हाथी चलता है वैसे चलने वाली भगवती, और काम कामदेव के हृदय को भी मथ देने वाली हैं, और रसिकों के मन को भाने वाली हैं। तो यहाँ परमात्मा परक साहित्य हैं, जो मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं, मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं। और कुछ अपने घराने के बारे में आप जो बताना चाहते हो खासतौर पर? अपने घराने के बारे में खासतौर पर बताना चाहूँगा, यहाँ बधैया कीर्तन को भी क्लासिकल में गाया जाता है, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री झपताल में है, लोग कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ ताल में कीर्तन को भी गाया जाता है, मतलब यहाँ समझौता नहीं हुआ शास्त्रीयता से,
हमारे घराने में। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति से आप कितने संतुष्ट हैं? मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने घराने में जी। जो कठिन पद थे उनको सरल किया जी, बच्चों को समझाने के लिए जी। सरगमों का कुछ पलटे तैयार किए, जैसे सारे ग रे ग सारे सारे ग सारे ग ग रे सा रे ग म ग म रे ग म ग म रे ग म म ग रे, तो बच्चे ये दो दो का विभाग बन रहा है इसमें, सारे ग रे ग सा रे ग रे सा रे ग ग ग रे सा, ऐसा बन रहा है विभाग। तो बच्चे आराम से आलाप अपने गले को तैयार कर सकते हैं आलाप के लिए। तो कभी बचपने से लेकर जो अभी तक का आपका सफर रहा है, जब आप छोड़ के आ गए, कभी डांट वांट नहीं पड़ी माता पिताजी से कि तुम ये कर क्या रहे हो भाई, दसवीं पास कर गए थे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी कर लेते, कुछ और कर लेते? ये हमारे गुरुजी ने कहा, माँ नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने माँ बाप से ज्यादा हमें प्रेम दिया जी। ये मैं सोचता था कि साधु बहुत निष्ठुर होता है, हमारी ये विचारधारा थी, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि अरे यार, घर से ज्यादा प्रेम यहाँ मिल रहा है। मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर खुद आ जा रहा है कार लेकर दवा करने। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने बहुत प्रेम दिया और उन्होंने अनुशासन किया, डंडा से मार करके व्याकरण न्याय कहे, पढ़ोगे नहीं तो संगीत का डिफिनीशन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे संगीत को, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मेरा तो मन रम गया भाई। गुरुजी ने डांटा कि नाचने गाने का क्या काम कर रहे हो ब्राह्मण हो करके। फिर हमने कहा कि शास्त्र में आया है कि नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौपंच वारम, तो ननाद ढक्का नौपंच वारम भगवान ने डमरू बजाया है, डमरू नद्य वाद्य है, और डमरू से आपके व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, तो संगीत जननी है व्याकरण की, उसको कैसे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा तुम्हारा तर्क जायज है, तो वो भी प्रसन्न हुए हमारी बात से, फिर बोले तुम सीखो। और जब आपने सीखना शुरू किया और आपने साधु का जो भी वेश धारण करना तो नहीं करना चाहिए, जो उसकी दिनचर्या होती है आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, पूरा फॉलो किया बिल्कुल, तो उसमें कभी एक इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने आप को सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ ध्रुपद तक ही सीमित रखूंगा? क्योंकि मैंने सुना जिस खूबसूरती से आप गजल गा रहे हैं, उसी खूबसूरती से आप कव्वाली भी गा रहे हैं, उसी खूबसूरती से आप फिल्मी गाने भी गा रहे हैं, तो क्या मतलब चूंकि गायकी पक्की है इसलिए सब कुछ सारी चीजों के साथ न्याय हो जा रहा है? गुरु ने अच्छी तालीम दी है। अच्छा, अगर एक अच्छा गुरु होगा तो अपने शिष्य को हर पहलू से मजबूत करेगा, लय से भी, लाइट के भी सुर ऐसा लगवाएगा जैसे हमारे गुरु जी लगवाते हैं, गगरे सारे नीरे सा नीसा दानी दसा नीसा दानी पदा पानी धा पदा मा पा गमा पा गमा गरे सा, क्या बात, ये लाइट में प्रयोग होता है। तो हमारे गुरुजी ने ऐसी तैयारी करवाई है कि मैं क्लासिकल भी गाऊंगा तो क्लासिकल जैसा लगेगा, फिर क्लासिकल के अंग से गाऊंगा क्लासिकल, कवाली गाऊंगा तो कवाली के अंग से, और फिल्मी गाऊंगा तो रे रा रे रा 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 रे रा ना ता ना रे रा 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 ता रा रे रा ना, तो फिल्मी अंदाज में उसको गाऊंगा। तो कोई एक गाना जो आप फिल्मी अंदाज में गाना चाहते हो अभी? सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात वी मावाद बंदा परवरदारा, मास्टर सलीम ने गाया है, ये फोक हो गया। और जब गजल की तरफ जाएं तब? गजल की तरफ जाएं, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। गजल में सांसों का बड़ा प्रयोग है, किस लफ्ज पे कितना सांस लेना है, मोहब्बत कैसे कहना है, लफ्ज कैसे कहना है, हकीकत कैसे कहनी है, उसका एक अंदाज़, मतलब भाषा की शुद्धता। हाँ, मैं उर्दू सीखने के लिए रोज टेम्पू से भाड़ा दे करके फैजाबाद तक आता था और यहाँ पर चाय पी के चला जाता था कि इसकी हवा लगे हमें, किसी से सीखता नहीं था, फैजाबाद तक मैं टेम्पू से आता था कि हवा लगे उर्दू की। तो सीखा आपने फिर? बिल्कुल सीखा। भानु प्रताप सिंह हैं हमारे उर्दू गुरु हैं, गाफिल गाजीपुरी हैं, दो लोगों से मैंने तालीम ली। मेहदी हसन और बेगम अख्तर, आपको कौन ज़्यादा पसंद है? ये नहीं कहा जा सकता, ये आपने बहुत क्लिष्ट प्रश्न कर दिया, क्योंकि दोनों हमें पसंद हैं, दोनों नायाब हैं। आप वैसे ही करें, लाल और हीरे में कौन पसंद है आपको? लाल भी कीमती है, बेशकीमती, और हीरा भी। दोनों की कोई एक पसंदीदा चीज़ जो आपको लगता है कि सुनानी चाहिए? बेगम अख्तर की मैं सुना रहा हूँ। हालांकि मेहदी हसन खान साहब ने कहा था, एक बार 15 अगस्त का प्रोग्राम था और बॉर्डर पे ही कार्यक्रम रखा गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फनकारों का,
तो बेगम अख्तर साहिबा को सुनकर मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि ये नाचीज आपकी जूती के भी बराबर नहीं है। मेहदी हसन खान साहब, अब उनकी बातों से आप आकलन लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन बड़ा छोटा है, ये उनकी महानता भी हो सकती है या फिर वो अपनी दृष्टि से सोचकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हम नफस अभी जो वायरल हुआ है, जी जी जी, मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्देश्क में जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। ये हो गया गजल बेगम अख्तर साहिब। और मेहदी हसन साहब का? मैं मेहदी हसन साहब का है, अब के हम बिछड़े तो शायद इराक, इसके भी एक वाक्य है, वो गाड़ी से जा रहे थे स्वरमंडल अपना कैसे थे भूपाली राग में कुछ, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, इस गजल को गाने जा रहे थे तो गाड़ी के उठक बैठक से शुद्ध धैवज जो है उतर करके कोमल धा हो गया, तो सारे ग प ध के जगह हो गया सारे ग प द द द प द सारे द प द ग प द ग द ब ग रे द सारे ग रे ग रे सा, भूपेश्वरी रागनी बन गई जो कि 72 थाटों में से है, दक्षिण भारत के 72 थाटों में, ये उत्तर भारत के 10 थाटों में राग नहीं है, ये 10 थाटों में नहीं, वो 72 थाटों में से है, हनुमत तोड़ी आदि आते हैं उसमें। मैं दक्षिणी गायकी का भी खुला ने रे ने ते रे रे ने रे 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 ने रे ते ने रे रे ने रे रे ते रे रे ने, तो ये वहाँ श्रुतियों का गगरी सा मगरी सा निसा निरी सा निसा गगरी गरी सा निरी सा निधा निसा री सा निसा गरी सा, तो रे को री वहाँ कहा जाता है और श्रुतिबद्ध गायकी है। तो मेहदी हसन साहब ने इसी में गाया था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, क्या बात है? अब के हम बिछ, ये शुद्ध मत है जो अलापचारी मेहदी हसन खान साहब के गायकी को मैंने इसलिए चुना, वो कृष्ण मत का प्रयोग करते थे और शिव मत का प्रयोग करते थे, मिले शिव भगवान प्रलय में इसका अलाप लेते हैं, इसका अलापचारी शिव भगवान के लिए फेमस था, जिसको मेहदी हसन साहब बोलते हैं अपनी गजल में कि शिव जी के लिए प्रचार में था शुद्ध मत। और जब आप भक्ति संगीत की तरफ आते हैं जी, जो जो आपकी वेशभूषा देखकर जिसको सबसे पहले लगता है कि भक्ति संगीत में तो ये जरूर पारंगत होंगे, ये बात अलग है कि आप सब में पारंगत हैं, भक्ति संगीत में क्या कुछ गाते हैं आप, क्या कुछ आपको पसंद है ज्यादा? सूफियाना गाता हूँ जी, और भजन गाता हूँ, हर प्रकार का गाना मुझे पसंद है भाई, हर गाना पसंद है जी, क्योंकि जो गाना है वो सुर में है और सुर ईश्वर है। तो कोई भजन कोई कव्वाली? प्रेम भटिका मधवा पिलाई के, प्रेम भटिका, मैं अपने रंग में गाने की कोशिश करता हूँ, मधवा पिलाई के मतवारी कर दे रे, मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के खुसरो रैन सुहाग की, मैं जो जागी पी के संग तन मोरा मन पीबू की, मैं तो जागी हो मैं तो रंगी एक ही रंग है रे, मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। और भक्ति संगीत में कुछ भजन में कुछ? राम का, भीमसेन जोशी जी ने गाया, जी जी जी, राम का गुणगान करिए राम का, राम प्रभु की
भद्रता का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान इसमें मिश्र प्रयोग गुणगान करिए राम का। देखिए मैंने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि आपको सुनते जाएं तो लगता है कि और सुने और सुने और सुने, तो इसलिए आप मैं सुनाने में थकता नहीं क्योंकि 2-3 घंटे में तो ऐसा रियाज है कि गला ही गर्म होता है। क्या बात। आपसे अगर किसी एक शास्त्रीय राग के बारे में कुछ सुनना चाहूं, बिल्कुल, जो आपका कोई पसंदीदा शास्त्रीय राग हो, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं भी तो बहुत आनंद मेरा आएगा। मिजाज वीर रस का है, मैं दरबारी ज्यादा पसंद करता हूं। अरे वाह, वीर भाव का मिजाज है तो दरबारी जो है इसमें ख्याति तानसेन बाबा को मिली जी। बाबा तानसेन ने इसमें ख्याति प्राप्त की। दीपक राग भी कहते थे लेकिन दरबारी में दीपक राग दुर्गा नेत्र ते प्रगट भयो भैरव राग शंभुमुख से प्रगट शंभुमुखते प्रगटायो है। और केदार राग कृष्ण भगवान ने गायो और कान्हड़ा राग तानसेन ने सुनायो है, ऐसा व्याख्या आती है पुस्तकों में। इसका जो गांधार है और देव दे कुछ लोग लगाते हैं, हमारे गुरु जी बताए जे रे जैसे गाय रंभा रही हो ने रे ग निजरे धनी परे धरे धनी मामा परे सा। ये दरबारी। गजब तेरी दुनिया मालिक गजब तेरी दुनिया मालिक जो जाने सो गुणी कहावे जो बिन गुण निर्गुणिया मालिक गजब तेरी दुनिया दधनी सधनी मनी दधनी पम पनी मनी नि पम प गम प गम रे सधनी पम म प दधनी रे सा गजब तेरी दुनिया मालिक। ये दरबारी। कोई फिल्मी गाना दरबारी पे जो बना हो आपको याद आता हो? हाँ, बिल्कुल, सांसों की माला पे सुमरी में फिल्मी गाने जी 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 इसका मध्यम सामा को सा मानता हूँ। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। ये जो आजकल की गायकी है मानस दास जी, जो हम देख रहे हैं जो बॉलीवुड का गाना है, निश्चित तौर पर उसके शब्दों को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज रहता है, आपत्ति जताता है कि गानों के बोल बहुत हल्के होते गए। लेकिन कुछ अच्छे कंपोजिशंस भी आते हैं और कुछ गाने अभी भी ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं यार, इसमें बहुत आराम से ठहराव के साथ संगीतकार ने जो है वो मेहनत की है। आपको कौन से ऐसे लोग हैं इस वक्त मौजूदा समय में? अरिजीत सिंह ने क्लासिकल सीखा, बेसिकल उसको लगा, अरिजीत सिंह को उन्होंने समझा कि भाई मैं नाम भले कमा सकता हूं लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो गए पंडित अजय चक्रवर्ती जी से उन्होंने तालीम लिया जी। एक वीडियो वायरल हुए थे कौशिकी के साथ, हो गा रहे थे। तो जो सीखे हुए लोग हैं, शंकर महादेवन हो गए, ये लोग अभी भी बुनियाद को कायम रखे हुए हैं। तो शंकर महादेवन का कुछ अगर आप सुनाएं, शंकर महादेवन का वो सुना दे रहे हैं। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसकी वही दर्द दर्द दो
दर्द अंबर पुकारे दा दर दा दे दा 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 रा देरा ओ देवाशी गणेशा देवाशी गणेशा देवाशी गणेशा। और अरिजीत सिंह जो बहुत गाना उनका हिट हुआ पिछले दिनों, अरिजीत सिंह ने गाया है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ये गाना अच्छा लगता है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जब अकेले बैठे हुए हैं और आपने व्यस्त समय से आपने दिनचर्या से खाली बैठे हुए हैं तो गुनगुनाते हो आप, जो आपको लगता है? जब मैं खाली बैठता हूँ तो कुछ रचनाएं करता हूँ। अच्छा, हाँ, खुद का लिखते हैं? खुद लिखता हूँ। तो वो क्या बंदिश की शक्ल में? बंदिश भी हो सकता है, उर्दू का कोई बंद भी हो सकता है। अच्छा, कोई नज्म भी हो सकता है, कोई गजल भी हो सकती है। जगजीत सिंह साहब की कोई गजल अगर आपने एक तो सुनाई, हालांकि होश वालों को खबर क्या। हाँ, उनको सुनाया मैंने। हाँ, एक हाँ, कुछ और? एक बहुत ही जबरदस्त गजल उनकी लगती है। तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। उनके गाने का अंदाज था, कहाँ से मुड़ जाते थे, सुनने में आसान लगेगा, बहुत कठिन गाते थे। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, मखमली मुर्गियाँ नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं। वही मैंने जैसा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो अब इंटरव्यू ख़त्म करें इससे पहले सिर्फ दो छोटी छोटी जानकारी चाहूँगा। एक तो ये कि अब जिससे हमने बात शुरू की कि अब दरअसल हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है जी, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? क्या आप अपनी अपने बच्चों जो बच्चे हैं अयोध्या के उनको सिखाना चाहते हैं? कुछ को आप सिखा भी रहे हैं मुझे आपने बताया, किस तरह से जो आपकी ये प्रतिभा सामने निकलकर अचानक आई है उसका विस्तार कैसे हो, कैसे ये बहुत लोगों तक पहुँचे और आपका जो हुनर है जो आपकी साधना है वो हम सब लोगों के अलावा दुनिया भर तक पहुंचे, उसका क्या प्लान है? सबसे पहले मैं अपना बुनियाद मजबूत करना चाहता हूं जी। अवधी घराना मृदंग से नवाजा स्वामी श्री पागलदास जी ने, इसके बाद कंठ गायन प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरे अयोध्या को संगीतमय बनाया जाए, इसके बाद बाहर से जो आएंगे उनको भी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अयोध्या घराने को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। और बस आखिर में अगर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या बात। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, आप अयोध्या में संगीत के प्रचार प्रसार जाने से को पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जरूर जरूर, कि राग नहीं सुर नहीं तो असुर होगा, सुर नहीं तो असुर होगा, लय नहीं तो प्रलय होगा, आलाप नहीं तो विलाप होगा। क्या ये पूरे भारत को समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आप। जय श्री सीताराम। तो आपको शुभकामनाएं और कहीं भी जहां हमारी जरूरत हो हम आपके लिए हाजिर हैं।